हम लोग यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जितने भी बैंक ऑफिशियल्स यहाँ पे दो दिन के जो स्ट्राइक पे खड़े हैं उनके साथ हम सॉलिडारिटी के साथ खड़े हुए हैं। आम जनता के कड़े विरोध के बावजूद सरकार जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, सभी को सरकार बेचने के ऊपर आमादा है। लगातार कर्मचारी विरोध कर रहे हैं क्योंकि निजीकरण के चलते जहां जहां निजीकरण हुआ है वहां वहां कर्मचारियों की छटनियाँ हो रही हैं, बड़े पैमाने पर जॉब लॉस हुआ है। और जो ऐसे ऐसे पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है जो सरकार को मुनाफा अर्जित करके देते हैं, उस मुनाफे से हमारे बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, ये जो जितनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके अंदर उनको खड़ा करने में सार्वजनिक जो संस्थान हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो अगर अपने ही जो संपत्ति है उसको सरकार यदि बेच देगी तो हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनेंगे। बल्कि हम जो निजी क्षेत्र है, देशी विदेशी पूंजी है, उनके हम निर्भर और गुलाम बन के रह जाएंगे। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन के दौरान जो नारा दिया वो दिया कॉरपोरेट वर्सेज किसान, के किसानों की ज़मीन कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है मोदी की सरकार, और इसलिए ये तीन काले कानून भी आए हैं। हम लोग ट्रेड यूनियंस जो हैं, सरकार की जो निजीकरण की नीति है और देश के जो एसेट्स हैं, उद्योग हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको कॉरपोरेट घरानों को देने की बात है। आज भी खबर आई कि जो बचे खुचे एयरपोर्ट के एयरपोर्ट्स हमारे हैं वो भी 100% दे दिए जाएंगे, तो ये भी कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस का भी आंदोलन है। तो इस दिन में इसीलिए एंटी प्राइवेटाइजेशन डे के रूप में और एंटी कॉरपोरेटाइजेशन डे के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया। मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त देश के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख के जगहों के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि बैंक्स की हड़ताल है तो उनके भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंश्योरेंस वाले साथ में उतरे हुए हैं, डिफेंस वाले इसी इशू के ऊपर खड़े हुए हैं, रेलवेज वाले खड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने रेलवे स्टेशंस को सिंबॉलिक चुना क्योंकि रेलवेज भी बेची जा रही हैं, प्लेटफॉर्म्स भी ऑक्शन किए जा रहे हैं, नॉर्मल ट्रेनें चलाई नहीं जा रही हैं, प्राइवेट ट्रेनें महंगी वाली चलाई जा रही हैं। तो हम समझते हैं कि मजदूरों और किसानों की बढ़ती हुई एकता में ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। जो अभी हमारा गवर्नमेंट से जो हमारे बैंक के हमें कम रेट पे हमें लोन मिल जाता था, जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे रेटों इंटरेस्ट की रेट बढ़ा देंगे, मन मर्जी करेंगे, मेंबर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अभी फ्री हम लोग अपने हम लोग फ्री थे, हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हम लोग गुलाम हो जाएंगे, आप जनता गुलाम हो जाएगी। अब ये जनता जब सफ़र करेगी तब इनको पता लगेगा कि रेलवे जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जो सबसे सस्ता एक साधन है ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद हम लोग आम आदमी रेलवे में भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। मोदी सरकार लगातार इस लॉकडाउन काल में किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियाँ लागू कर रहे हैं, मजदूर वर्ग का हकों को छीन रहे हैं, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन में मजदूर वर्ग के सभी संगठन लगे हैं, उसके साथ एकजुट के साथ किसान संगठन भी साथ है। ये जो आज के दिन 15 और 16 का बैंक कर्मचारियों का भी जो आंदोलन है, स्ट्राइक है, और जो निजीकरण का जो चल रहा है, देश का हर संपत्ति को बेचने का जो ये चल रहा है, उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा और सभी किसान संगठन, खेत मजदूर के संगठन, मजदूर वर्ग के साथ इस आंदोलन में उनके साथ कंधा मिला के साथ है। तो देखिए, ये जो लेबर कोड्स है ये बहुत ही ड्रैकोनियन, बहुत ही मतलब एंटी लेबर, मतलब हम लोग में से जो भी है हर कोई वर्किंग क्लास में है, कोई ना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए आपको काम करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आज जो आपका बहुत, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा आपको,
संक्षेप में, यूनियन बनाने का आपका हक खत्म किया जा रहा है, आपको करीब करीब सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं सब जगह आपको ठेकाकरण हो रहा है, ठेकाकरण हो रहा है तो उसमें हायर एंड फायर की पॉलिसीज होती है, जबकि मुनाफा सबसे ज़्यादा वो बना रहा है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बना रहा है, मेन जो नियोक्ता होता है, तो मेन नियोक्ता की जो जिम्मेवारी है वो खत्म की जा रही है। उसके बाद जो वर्किंग आवर्स था इंक्लूडिंग लंच आपका 8 आवर का था, यूरोपियन कंट्रीज में तो ये भाई 4 आवर वर्क डे होने वाला है, इवन आपको कन्वेंस का टाइम, यहाँ 12 घंटे का आप वर्किंग डे कर रहे हैं, 12 घंटे का वर्किंग डे सैलरी वही रहेगी, अब क्या होगा कि आपको जितना अब 12 घंटे आप काम उतने लोग से कराएंगे तो नए लोगों को जॉब में आने में दिक्कत होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो एक वेलफेयर जो नेशन होता है, इक्वल जस्ट सोसाइटी होती है, उसका कंसेप्ट पूरी तरह डिमोलिश किया जा रहा है, और एक जो बहुत बड़ा वर्ल्ड का जो एक पॉपुलेशन है, इंडिया करीब 1/7 पॉपुलेशन वर्ल्ड का है, आपको उसको एक पॉवर्टी में भेजने की सोची समझी साजिश की जा रही है इस लेबर कोर्ट्स के द्वारा, ये सोशल सिक्योरिटी पूरी तरह खत्म किया जा रहा है, सब्जी नाउ इंस्पेक्टर्स आर बिकमिंग फैसिलिटेटर्स, ऑल द लेबर इंस्पेक्टर्स एंड लेबर मशीनरी आर बिकमिंग फैसिलिटेटर्स फॉर द कैपिटलिस्ट। सो ये पूरा एक चरणबद्ध प्रक्रिया है लोगों को आपको एक पॉवर्टी में फेंकने के, गुलामी, ये कोड जो है गुलामी का कोड है, ये कोई आजादी का कोड नहीं, मजदूर का कोड नहीं, गुलामी का कोड है।